और बाकी जो टोटोर है वो AI वर्जन मेरा कर देगा। वो आपने सुना ही होगा, हाथी मेरा साथी वाला सा 10 रुपए की पेप्सी, मेरा दो सेक्सी। फिर इतने सवाल इमिग्रेशन वाले नहीं पूछते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी मोहम्मद सलमान वंस अगेन, एंड उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अगर आप ये वीडियो मेरी ईद से कबल देख रहे हैं तो एडवांस ईद मुबारक, और अगर आप ईद वाले दिन देख रहे हैं तो ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली एज़ वेल। इस वीडियो में एक और डिस्क्लेमर भी है कि इस वीडियो में मेरे साथ मेरा एक और पार्टनर भी है, वो आपने सुना ही होगा, हाथी मेरा साथी वाला सा, तो मिलते हैं उसके साथ भी। दिस इज़ मी मोहम्मद सलेमान वंस अगेन, एंड आई एम दी AI वर्जन ऑफ मोहम्मद सलेमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे एंड एडवांस ईद मुबारक। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आपने मेरे साथी से मिलाइए, हम बिफोर और आफ्टर पार्ट करते रहेंगे। अभी मैं कुछ ईद के बारे में सोच ही रहा था तो मुझे याद है कि ईद के मौजू पे भी एक वीडियो होनी चाहिए। तो ईद बेसिकली हमारे दौर में होती थी जिसमें हम जो था ना बड़े गर्म जोशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलते थे और ईद मनाते थे, और बड़ी प्यार मोहब्बत और खुलूस होता था। ना ही इंटरनेट होता था, ना ही इतनी AI का एज होता था जैसे कि अभी आपने देखा प्रीवियसली। तो बड़ी ईद ज़रा गर्म जोशी के साथ मनाई जाती थी। एक हफ्ता पहले ही हम कार्ड्स वगैरह लेने चले जाते थे, ईद कार्ड डालते थे, तो बच्चे जो होते थे वो अपने हिसाब से छोटे कार्ड डालते थे, बड़े जो थे वो थोड़े से दरमियाने, और वो जो उस दौर में भी प्यार मोहब्बत होता था तो जो इनके जानान होती थी तो वो उनको ज़रा दिल वाला कार्ड डालते थे जिसके अंदर वो तीर गुजर रहा होता था। तो उसके अलावा भी फिर हम एक तो कार्ड के ऊपर पहले ही लिखा होता था ईद मुबारक, फिर हम उसका एनवेलप लेते थे उसके ऊपर भी लिखते थे, और उसमें और अपनापन डालने के लिए हम उसके ऊपर वो शेर व शायरी भी करते थे। डिब्बे में डब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, ठीक है 10 रुपए की पेप्सी, और उसमें जो था ना वो जो भी होता था, ज़्यादातर ये लिखते थे दोस्तों के लिए लिखते थे, मेरा दोस्त सेक्सी। तो ये चीज़ें चलती थी। आजकल के दौर में आप देख लें जैसे व्हाट्सअप का दौर आ गया, अब इंटरनेट आ गया, हर चीज़ें जो है ना डिजिटल हो गई, तो अब वो मोहब्बत नहीं रही, बड़ा कोल्ड सा, ऊपर से हम लोगों ने भी और उसको मज़ीद कोल्ड कर दिया कि हम ईद मुबारक लिख के फॉरवर्ड करते जाते हैं मैसेजेस, और अब आप उस पर क्लिक करें तो वो आपको ऊपर बता रहा होता है फॉरवर्डेड 114 टाइम्स। तो अब इस तरह तो मैसेज आते हैं तो आपका भी नहीं दिल करता विश करने का, हमारे पास भी धुंधला सा मैसेज है, हम देख के पिक्चर भी नहीं डाउनलोड करते, ऐसे ही बता देते हैं कि खैर मुबारक भाई ईद का ही आया होगा, देख के बता दिए। या अंधाधुन मैसेज भेज रहे होते हैं, ऊपर लिखा होगा डियर इजाज़ साहब और नीचे फ्रॉम रुखसाना, तो वो भेज दिए उन्होंने सेंड टू ऑल, सारे इजाज़ साहब और नीचे सारी वो खुद भी रुखसाना बनी है, बेशक वो कोई मर्द था लेकिन वो रुखसाने ही बन के फॉरवर्ड आ रहे। सारे कार्ड्स वगैरह पहले ही दे देते थे या उससे पोस्ट कर देते थे जो कोई दूर दराज होता था। देन जो उसके अलावा जो था, ईदी बड़ी अच्छी मनाते थे, ईदी मिलती थी बेसिकली, ईदी अपनी जमा करते थे और उसमें से कुछ खर्च भी करते थे, मतलब पेप्सी वगैरह पी ली और चिपोस खा लिए, यही ईद होती थी, इससे ज़्यादा क्या ईद वगैरह होनी। तो या जो बाकी पैसे बच जाते थे तो वो हम अपनी अम्मा जी को ना स्टेट बैंक समझ के दे देते थे, तो बाद में जब लेने जाओ तो पता चलता था स्टेट बैंक कहता था जी मुल्क तो कर्ज़ों में चल रहा, लिहाजा तुम किधर आ गए, और पहले तो तुम ये बताओ जो तुमने पैसे खर्च किए हैं वो किधर किए हैं, ठीक है हमने उनके बच्चों को इतने दिए थे रिटर्न में, इतने तुमने खा लिए ऊपर ले, ठीक है, तो वो प्रॉफिट अपना बना रहे होते थे। तो बस फिर इतने सवाल इमिग्रेशन वाले नहीं पूछते थे जितने हमें ईदी वापस अपनी जो दी हुई थी वो लेने पर मिलते थे, तो वो ईदी तो हज़म हो जाती थी ना उस वक्त, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम और ये चीज़ें होती थी तो पिक्चर्स वाला भी कोई सीन नहीं था एज सच, एक आधी कोई फैमिली पिक्चर खींच लेते थे तो जिसमें किसी का मुंह टेढ़ा तो किसी का नाक टेढ़ा तो कोई किसी की आंखें बंद, बस वही पिक्चर खींच किया और अब वो बना लिया उन्होंने, और अब ताहयात जो है ना वो सारी नस्लें देखती रहेंगी कि इसने ईद मनाई थी। आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा मतलब सियाणे हैं कह लें आप, समझदार हैं, तो वो तो मतलब ब्राउन वाला नोट होना चाहिए ईदी के लिए, बंदा एक चमाट लगाया उन्होंने उनसे कि ब्राउन वाला नोट कमाना कितना मुश्किल है, तुम्हें ब्राउन वाला नोट दे, ठीक है, तो वो सारी ईदी खा पी गए, अब तो पिक्चरों वाला जानू मानू वाला सीन आ गया, ठीक है इंस्टाग्राम आ गए, हर बंदे ने इंस्टाग्राम पे लड़कियों की खास कर ये भी ईद है कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज और पिक्चर्स लगानी है, ठीक है, जिनके तो वो जानू मानूज हैं उन्होंने DM में लेटना होता है तो वो तो DM के लिए भी तस्वीरें बनाते हैं, तो हम तो खैर इससे भी महरूम है, तभी आपको ये यही पार्टी मेरा बता रही है क्योंकि जज्बात ही नहीं है ये अंदर हमारे, तो ना हमें किसी ने कभी कहा है कि भेजो, ना हमने कभी भेजी है ना खिंचाई हैं, ठीक है। और लड़कों की जो है ना वो जो सिंगल्स हैं उनकी आजकल के दौर में भी वही ईद है, वो बेचारे फॉरवर्डेड मैसेज कर करके एक दूसरे को ईद गुजार लेते हैं, ना उनसे किसी ने कहना है, बड़ी याद होगी तो किसी ने वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लगा दी DP चेंज कर दी या ईद डे वन लगा दिया, बस उसके बाद फिर वही काला काली तस्वीर लग जानी है, वो ब्लैक सोगदार वो जो ब्लैक बैकग्राउंड वाली पिक्चर लग जाती है, बस वो फिर वही लग जानी है,
यही दुख है। हमारे दौर में तो बैकग्राउंड्स भी नहीं होते थे, ठीक है, वो कली वाला दौर होता था। 90s के बच्चे जो होंगे उन्हें पता है, वो एक बस वो कली सफ़ेद सी बनती थी, हर जगह ही सफ़ेद। मतलब अगर वो कली किसी ने एक बंदे ने मोहल्ले में बना दिया ना, तो पूरा मोहल्ले ही अब सफ़ेद है, ठीक है। हाँ सही बात है। तो वो एक तो तस्वीरों का वैसे ही नहीं कॉन्सेप्ट होता था, और अगर कभी पिक्चर लेनी भी हो तो पीछे वही था यार, सफ़ेद बैकग्राउंड मुकद्दरों में होता था, वही आता था, ठीक है। वो आजकल तो यही दुआ है कि अल्लाह बैकग्राउंड अच्छा दे, ठीक है। बैकग्राउंड वाला दौर है आजकल, तो ये चल रहा है कि एक कमरे में चार चार दीवारें हैं तो चार चार बैकग्राउंड्स हैं, क्योंकि उन्होंने DMs इंस्टा और इधर उधर पिक्चर्स भेजनी है, तो जो कि आउट ऑफ नीड भी है। अब इवन मैंने भी यहाँ बैक में दो बैकग्राउंड इसी वजह से कराए हैं कि यार ये दुख तो ख़त्म हो सके जो बचपन का है। तो लेकिन वो 90s का ही दौर था जिसमें कि सफ़ेद बैकग्राउंड कली, हाँ ईद पर कुछ ना मिले तो वो कली भी खा लेते थे हम, कि यार चलो अब ईद है तो यही खा लें, ईद भी गया, ठीक है। छतों पे जाके तस्वीरें एक आधी ले लेनी, और वो भी कैमरे की बाद में जांच पड़ताल होती थी। तो खैर वो अच्छे दौर थे ना, वो पिक्चर कभी पास आती थी, वो एक वो डेवलप होके आ जाती थी, या वो रील वाले कैमरे होते थे तो उसकी रील यूँ लाइट में रख के हम देखते थे कि यार क्या आया, आया कैसे, दिख दिख कैसे रहे हैं हम। हमारे वाले दौर ना ज़रा अच्छे थे उस वक्त, जो था मकान जो थे वो कच्चे थे और लोग बड़े सच्चे थे, ठीक है। आजकल तो वो डुअल फेसेस वाला दौर आ गया, ठीक है, नफसा नफसी आ गई। तो चलें ये था आज का शॉर्ट सा कंपैरिजन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और बाकी जो ट्विटर है वो AI वर्जन मेरा कर देगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी अगेन, अगर आप मुझे दोबारा देखना चाहते हैं तो कॉमेंट में अगेन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी मानिल्ला एंड ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली एज वेल। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब। AI ने जो पार्ट मिस कर दिया वो ये था कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरह के आपको एक्सपेरिमेंट्स मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली एज वेल। फी मानिल्ला।